चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सबसेट। हम सेट की दो एक्सरसाइज कर चुके हैं, 1.1 एंड 1.2। तो आज हम करेंगे 1.3, और वो उसको किसके ऊपर बेस है? सबसेट। दो टॉपिक हैं, सबसेट और इंटरवल। तो सबसेट, तो व्हाट डू यू मीन बाई सबसेट? देखिए, लेट अस सपोज करो ये एक सेट है ए, ठीक है, और ये दूसरा सेट है बी। अब बी के कुछ एलिमेंट हैं, ये जो डॉट लगाए दे आर एलिमेंट्स। अब कुछ एलिमेंट बी में हैं, कुछ छूट गए हैं, ए में रह गए कुछ। तो बी इस पूरे बड़े सेट का क्या है? एक छोटा पोर्शन है, और इसे हम बोलते हैं सबसेट। तो क्या हुआ कि जो बी है, ऑल एलिमेंट्स, सबसेट क्या होगा? सबसेट क्या होगा कि सबसेट, यहाँ पे बी को मैं सबसेट मान लेता हूँ, जैसे चलो बी कुछ है, तो बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। ऑफ सेट ए कब? इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी कंटेन इन ए, बी के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, ठीक है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी कंटेन इन ए, ओके। और सिंबॉलिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है, बी सबसेट ऑफ, इसे ऐसे पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो ए है, इसे हम सुपर सेट भी बोलेंगे। ए जो है वो सुपर सेट है। हम लिख सकते हैं कि ए इज सुपर सेट ऑफ बी, और मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए ऐसे, ठीक है। ए यहाँ पे क्या है? बी का फिर सुपर सेट है, और बी क्या है? ए का सबसेट। और सबसेट को कैसे लिखेंगे? ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर सबसेट नहीं होगा, बी सबसेट ए, अगर ये है, इसका मतलब क्या है कि जो बी है इज नॉट सबसेट ऑफ ए। कैसे? मान लेते हैं कि ए में ये हैं एलिमेंट्स, और मैं बी में एलिमेंट ले लिए 2, 5। अब क्या कि जो बी के सारे एलिमेंट हैं, क्या वो ए में है? कंटेन इन ए 2 तो है, लेकिन 5 नहीं है। तो यहाँ पे बी जो है ए का सबसेट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा आएगा दो रिजल्ट हैं जो आपने याद रखने हैं। पहला रिजल्ट क्या है? ऑल सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ऑल सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ,
कोई भी सेट है वो अपने आप का एक सबसेट है। जैसे मान लो ए कोई सेट है तो वो ए का ही सबसेट होगा। ओके दूसरा रिजल्ट है नल या एम्प्टी बोलते हैं जो सेट है जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं। बताया मैंने आपको कि नल या एम्प्टी सेट जो है इज आल्सो सबसेट ऑफ ऑल सेट। जितने भी सेट हैं उनका सबसेट जो है वो फाई भी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सबसेट है एनी सेट उसके दो सबसेट तो होंगे ही होंगे। एक क्या इटसेल्फ और दूसरा फाई। ओके नेक्स्ट हमारा है कंपेरेबल सबसेट। कंपेरेबल सबसेट क्या होता है कि अगर कोई सेट ए बी का सबसेट है और बी बी ए का सबसेट है तो ऐसे ए और बी जो सबसेट है उनको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो इस टाइप की जो ए और बी हमारे पास सेट हैं दे आर कंपेरेबल सेट। ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर सबसेट। अब ध्यान से देखें प्रॉपर सबसेट क्या है। देखो ये सेट है आपने लिया बी, तो बी ए का सबसेट है बट जो बी है वो ए के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे जो बी है बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। देखो जो बी है उसके कुछ एलिमेंट जो हैं मतलब ए के कुछ एलिमेंट बी में हैं, सारे एलिमेंट जो हैं, तो बी यहाँ पे ए का सबसेट है लेकिन ये प्रॉपर सबसेट भी है क्योंकि मैंने यहाँ कहा कि बी ए का सबसेट है, साथ में बी ए के इक्वल नहीं है। मतलब जो एलिमेंट बी में है वही एलिमेंट ए में नहीं है, मतलब जितने एलिमेंट ए में हैं उतने एलिमेंट बी में नहीं है, ए में कुछ एलिमेंट ज़्यादा हैं बी में कम हैं। तो यहाँ पे बी फिर क्या सबसेट आएगा, प्रॉपर सबसेट। अगर कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर। क्या हो जाएगा, मतलब कोई सबसेट अगर प्रॉपर नहीं है तो फिर वो किस कैटेगरी में आएगा, इम्प्रॉपर में। ठीक है तो प्रॉपर पता चल गया, इम्प्रॉपर का पता चल गया आपको। ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम करेंगे पावर सेट। पावर सेट क्या है इसे नोट करना आपने, कर लिया। नेक्स्ट देखिए पावर सेट। पावर सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट दैट इज नोन एज पावर सेट। देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1, 2, तो मैं इसके सबसेट बना रहा हूँ। सबसेट क्या होंगे जी बेटा, सबसेट सार क्या पॉसिबल हो सकते हैं, एक आ गया बेटा 1, 2 और एक 5 और दूसरा खुद इट्सेल्फ, क्योंकि दो मैंने कहा कि ये तो होंगे ही होंगे, एक फाई और एक इट्सेल्फ और बाकी जितने आप यहाँ पे बन सकते हैं वो आपने देखने। तो ये मेरे पास क्या आ गए, इस सेट के सबसेट। अब पावर सेट क्या आ गया, उसे हम डिनोट करेंगे पी ऑफ ए, पावर ऑफ ए। एक सेट था जिसके आपने सबसेट लिए, तो मैं फाइंड करना चाहता हूँ पावर ऑफ सेट, मतलब ए का पावर सेट। तो पी ऑफ ए इसे सेट के फॉर्म में लिखना आपने, और पहला एलिमेंट क्या आ गया 1, 2, 5, 1,
टू, क्योंकि जब हमने सेट में लिखा है तो हमें कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ेगी ना। तो ये जो अब एलिमेंट बन गए आपके, ये जो हमने सबसेट बनाए हैं ये हमारे क्या बन गए, एलिमेंट, और ये इसके एलिमेंट आ गए। तो दिस इज पावर सेट, सॉरी। ठीक है, अब आप एक चीज नोट करें, इसके कितने एलिमेंट हैं, टू, और पावर सेट में कितने एलिमेंट आए, फोर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है पावर सेट में कितने हैं, क्या मैं इसे टू की पावर में टू लिख सकता हूं। आप देखो यहां से एक फार्मूला निकल के आता है कि कितने एलिमेंट है इसमें, तो उतने दो की पावर में आएंगे आपके इसमें एलिमेंट। तो अगर यहां पे सपोज करो कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं एम है, तो ए कोई सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो पावर ऑफ सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, टू की पावर। देखो ना यहाँ टू की पावर टू है, टू यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, मैंने क्या मान लिए, तो ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट टू की पावर एम। ये आपको मल्टीपल चॉइस चॉइस में क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सबसेट है, सबसेट में चला गया। नेक्स्ट एक और सबसेट पावर सेट हो गया, पावर सेट के बाद हमारा आ गया यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट आएगा, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से, ये देखो। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, आप देखो सुनो ध्यान से, यूनिवर्स का मीनिंग क्या है, जैसे सारा कुछ उसमें आ जाता है जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं, तो एवरीथिंग जो भी इस ब्रह्मांड में है वो सारी उसके अंदर आ जाती है। तो वो एक, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ हमारा एक यूनिवर्स आ जाता है, और उसके अंदर जितने भी चीज़ें वो डिफरेंट सेट्स आ जाएंगे। मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर देखिए जो बी है, बी का सुपर सेट क्या है, ए, मतलब बी कंटेन इन ए, तो ए बी के लिए यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है। हम एक और ले लेते हैं, एक और सेट है, इसमें कुछ और एलिमेंट ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेटअप वो क्या हो गया, वह अब बी, अब ए नहीं रह गया, अब बदल गया। आपकी क्लास की बात करते हैं, तो आपकी क्लास है इलेवेंथ क्लास, स्कूल में सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक हमारी क्लासेस है, तो आपकी जो क्लास है वो एक सबसेट हुई, और स्कूल क्या हो गया, एक यूनिवर्सल सेट। ओके, आइडिया आपको क्लियर हो गया यूनिवर्सल सेट। और दूसरा ये है कि इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं हुआ, फिर यूनिवर्सल सेट यूनिक हुआ नो, तो ये भी आपके पास एक पॉइंट है कि यूनिवर्सल सेट इज नॉट यूनिक। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे इंटरवल्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या चीज़ है, दो तरह से इंटरवल हैं, दो टाइप्स के, दो तरह से दो टाइप्स के हैं। पहला हम हमारे पास है, और दूसरा है इनफाइनाइट। ओके, फाइनाइट इंटरवल्स में देखिए, पहला ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है, ए और बी कोई दो नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर हम मान के चलते हैं यहाँ पे, कि ए और बी कोई दो नंबर हैं, ठीक है, और साथ में मान रहे हैं कि ए लेस देन बी है, ठीक है, ए और जो बी दो नंबर हैं,
और ए लेस देन बी, मानो कि ए स्मॉल नंबर है बी ग्रेटर है, तो ये जो ब्रैकेट मैंने लगाई है दैट इज ओपन इंटरवल, और हम इसे लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी ब्रैकेट में, अगर इस ये वाली ब्रैकेट लगाता हूँ तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन ए है और लेस देन बी है। अगर ग्राफिकली इसे ड्रा करें, यहाँ पे देखें, लेट अस सपोज ये माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी एक रियल लाइन है, तो यहाँ पे कहीं भी मैं पॉइंट ले लेता हूँ, मैं मान लूँ तो ये ए है ये बी है, ठीक है, ओरिजिन को हटा देते हैं यहाँ पे, एन नंबर जल्द मान लेते हैं ऐसे करके। तो जब मैं ओपन की बात कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे सर्कल लगाया और इसके बीच वाली लाइन मैंने डार्क कर दी, इसका मीनिंग ये है कि जो x की वैल्यू है, x यहाँ पे रियल नंबर है, x क्या है रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, कोई भी एनी नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो इन दो पॉइंट के बीच में वेरी कर रही है, a से लेकर b के बीच में, लेकिन ये जो a पॉइंट है ये इसमें इंक्लूड नहीं है, इससे थोड़ा सा आगे वाला जो पॉइंट है, इससे नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा पॉजिटिव कुछ भी नंबर आएगा तो वो एक्स की वैल्यू हो सकती है, बट एक्स नेवर इज इक्वल टू ए। सिमिलरली उसी प्रकार एक्स इज इक्वल टू बी नहीं होगा, एक्स लेस देन ए ग्रेटर देन ए एंड लेस देन, और इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे ओपन इंटरवल, ठीक है। सेकंड देखिए, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्लोज में देखिए ए कॉमा बी और मैंने यहां पे स्क्वेयर ब्रैकेट लगा दी, स्क्वेयर ब्रैकेट का मीनिंग है कि जो ए की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू, इसका क्या मीनिंग है, दिस इज ए दिस इज बी, अब ये पॉइंट भी इंक्लूड है और मैंने इसे डार्क बना दिया और इसे बीच में इसे भी डार्क कर दिया, तो आपका जो एक्स है वो लाई करेगा ए और बी के बीच में इंक्लूडिंग ए एंड बी, यहाँ पे आपकी वैल्यू एक्स इक्वल टू ए भी हो सकती है, एक्स इक्वल टू बी भी हो सकती है, क्योंकि इक्वल का साइन आ गया। थर्ड हमारे पास आता है सेमी क्लोज्ड बोल लो आप या सेमी ओपन बोल लो, बात कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरवल। तो सेमी शब्द का मतलब होता है आधा, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें एक ओपन होगा एक क्लोज होगा। देखिए अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो यहाँ पे ये क्लोज है ये ओपन है, चलो इसमें पहले कर देते हैं, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो ए या ए से ग्रेटर एंड लेस देन इक्वल नहीं, यहाँ पे लेस देन बी, तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफिकली इसको ड्रा करूँ तो मेरे पास आएगा दिस इज ए दिस इज बी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब देखो ए जो है आपका क्लोज है, क्लोज का मतलब उसमें इक्वल का साइन है, तो ये क्या आ जाएगा डार्क और ये क्या आ जाएगा ओपन। सेकंड आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स ग्रेटर देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी, इसे हम कैसे लिखेंगे क्या आ जाएगा, दिस इज ए दिस इज बी, ए अब क्या हो गया और ये क्या हो गया, और ये बीच में आप इसे डार्क कर दे, मैंने यहाँ पे भी आप डार्क कर दे, ये आपका सोल्यूशन है, समझ आ गया सेमी का, ठीक है। अब मैंने लिखा इनफाइनाइट, अब इसमें इनफाइनाइट नहीं था, दोनों तरफ बंद थे, आपको इनिशियल पॉइंट भी पता था फाइनल पता था, यहाँ पे इनिशियल पता फाइनल पता इनिशियल पता फाइनल पता है। इनफाइनाइट में क्या होगा कि आपको एक एंड में पता होगा दूसरा एंड आपको नहीं पता होगा,
चलिए नेक्स्ट देखें, इनफाइनाइट, इन फाइनाइट, इनफाइनाइट में क्या है, देखिए कोई एक नंबर ले लेते हैं ए, और यहाँ पे एक्स जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है। अगर हमारे पास इंटरवल है ए अप टू इन्फिनिटी, इसका क्या मीनिंग है कि जहाँ पे जो एक्स की वैल्यू हो क्या है ग्रेटर देन ए, एक्स क्योंकि रियल नंबर है। अगर हम यहाँ पे बात करें ए, तो जब मैं कह रहा हूँ कि ए टू इन्फिनिटी का मतलब कि ए से इन्फिनिटी की तरफ पॉजिटिव तरफ, तो यहाँ एक्स जो है वो ग्रेटर देन ए, जो भी ए होगा यहाँ पे इससे अब राइट साइड जाएगा। सेकंड, ए क्लोज इंटरवल आप कर दें तो यहाँ पे आएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। थर्ड देखें, तीसरा लेस देन ए, लेस देन, लेस देन ए का मतलब क्या है कि ए से लेस, ए से कितना लेस, माइनस इन्फिनिटी है। देखो ए है, ए से आपने लेफ्ट चलना है इस तरफ, तो इस तरफ क्या आ रहा है माइनस इन्फिनिटी, तो ये लेस आ रहा है, तो ए से आपका वापस आएगा, ए जहाँ पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू इस तरफ, मिनिमम वैल्यू इस तरफ आपकी। सिमिलरली आप डी करें, एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तो हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी ए। नेक्स्ट देखिए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसका क्या मीनिंग है कि जो आप एक्स है, जो एक्स है वो क्या है इसके बीच में रहेगा, सारे नंबर्स आगे रियल नंबर जितने भी हैं, क्योंकि एक्स हमने क्या माना है सेट ऑफ रियल नंबर, में एक्स किसे बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, और कौन सा इंटरवल होगा ओपन, ठीक है, क्योंकि जो इन्फिनिटी है वो क्लोज इंटरवल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फिनिटी जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें पता थोड़ी है, इन्फिनिटी क्या पॉइंट है, कोई उस पर्टिकुलर पॉइंट है कोई, हमने कहा कि कोई नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, कितना बढ़ता जा रहा है हमें नहीं पता, तो हमने उसे अगर पॉजिटिव तरफ बढ़ रहा है तो हमने उसको क्या कह दिया कि वो प्लस इन्फिनिटी तक बढ़ रहा है, अगर वो नंबर कम होता जा रहा है, कितना कम हो रहा है, वो माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। चलिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं एक्सरसाइज 1.3 के, ठीक है, अब ध्यान से आपने देखना और जवाब भी देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपने यहाँ पे पुट करना है सबसेट का साइन या नॉट सबसेट का साइन, और यहाँ पे तीन क्वेश्चन हैं। पहला है कि 2, 3, 4 एक सेट है और 1, 2, 3, 4, 5 एक सेट है, तो क्या ये इसका सबसेट है या नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा ये वाला साइन। सेकंड देखिए, ए बी सी तीन एलिमेंट हैं इस सेट में, और बी सी डी इसमें तीन एलिमेंट हैं, अब इन दोनों में से कौन सा साइन यहाँ पे पुट होगा, नॉट का, क्योंकि इसके जो तीन एलिमेंट हैं वो इसमें है ही नहीं, क्योंकि सबसेट वो होगा कि इसके सारे एलिमेंट कंटेन इन दिस सेट, या दिस सेट कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, किसका सेट है इवन नेचुरल नंबर, और यहाँ पे है एक्स इज एन इंटीजर, हाँ बताओ क्या यहाँ पे कौन सा आएगा, सबसेट है या नहीं है, है कैसे, क्योंकि जो जो इंटीजर हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, और उसमें इवन नंबर भी होते हैं और ऑड भी होते हैं, वो सिर्फ कह रहा है कि इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल 2, 4, 6, 8 दे आर आल्सो इंटीजर, सो ये छोटा सेट है और ये बड़ा सेट है, तो ये सबसेट हुआ, ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट कंटेन्ड इन दिस सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि ये एक सेट गिवन आपको, ध्यान से देखिए 1, 2, 3, 4 ये एक एलिमेंट ये है ये है, तो यहाँ पे पांच कितने चार क्वेश्चन लिखे हैं, पांच क्वेश्चन लिखे हैं, तो आंसर देने आपने
इसने पहला कहा ट्रू और फॉल्स बताना आपने कि 3.4 ब्रैकेट सबसेट ऑफ ए ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू, चलो अगर ये ट्रू है तो इसके बारे में बताइए कि 3.4 ब्रैकेट में है बिलोंग टू ए, तो दोनों ट्रू कैसे हो सकते हैं, यहां पे बिलोंग है यहां पे सबसेट है। सबसेट का क्या मीनिंग है, सबसेट हम कैसे लिख रहे हैं कि किसी सेट के जो एलिमेंट है उनको ब्रैकेट में लिखना है, तो फिर ये जो सेम एज इट इज क्या इसमें नहीं है, तो अगर वो सेम एज इट इज है तो वो क्या हुआ, इस सेट का क्या हुआ, वो कैसे सबसेट हुआ। सबसेट तो हमने बात की ना कि सबसेट है कि मान लो ए कोई सेट है 1 2, इसका सबसेट लिखना है तो आप 1 लिख सकते हो ब्रैकेट में, 2 लिख सकते हो ब्रैकेट में, एलिमेंट अंदर को ब्रैकेट लिखी है, एलिमेंट को ब्रैकेट में लिखना ना, दैट इज सबसेट। यहाँ पे 3.4 ब्रैकेट में है तो ये एज इट ऐसे लिखा इसने, तो ये सबसेट कह रहा है, ये है एलिमेंट को ब्रैकेट में लिखना है। यहां एलिमेंट कौन है, आप ये भूल जा रहे हो कि ये पूरा एलिमेंट है बच्चों, इस सेट का ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट का अगर हमने सबसेट बनाना है, इसके सबसेट बनाने थे, हर एक एलिमेंट को आप ब्रैकेट में लिखोगे तो ये ऑलरेडी ब्रैकेट, आपको एक और ब्रैकेट लगाने पड़नी है, ये जो ब्रैकेट है ये किसके लिए है, सबसेट के लिए, ये एलिमेंट है ये वाला, तो फिर ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ, और ये क्या हुआ, और ये ट्रू, क्यों ट्रू है, बिलोंग कर रहा है, देखो ना ये सेम एलिमेंट उसमें है तो ये इसको बिलोंग कर रहा है। अगर इसका सबसेट जैसे टू है, यहां पे देखिए मान लो टू होता है यहां पे, लेट अस सपोज करो टू, तब ठीक नहीं होगा, टू किसे बिलोंग कर रहा है, ए को, कि टू जो ए में है, यहां पे कंफ्यूजन क्या है कि ब्रैकेट लगाई हुई है, तो ब्रैकेट लगाई तो ये एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट जो है इस सेट का मेंबर है ये, तो ये इसको बिलोंग कर रहा है। अगर इसका सबसेट लिखना था आपको इसके साथ ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, तो ये ट्रू और ये ट्रू। अब ये देखिए फाई सबसेट ऑफ ए, क्या फाई इस ए का सबसेट है, हमने कहा कोई भी सेट होगा उसका एक फाई सबसेट होगा ही होगा, तो दिस इज आगे फाई को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब क्या ये सबसेट है, अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला है कि जो एलिमेंट होगा उसको ब्रैकेट में लिखे तो वो सबसेट होता है, पर क्या ये फाई इसका एलिमेंट है, फाई इसमें है तो फाई इसमें है नहीं, फाई इसका एलिमेंट नहीं है, तो एलिमेंट को ब्रैकेट में लिखेंगे तभी, हाँ इसमें अंदर अगर फाई होता तो ये ट्रू था क्योंकि हमने सबसेट बनाना, सबसेट का क्या सीधा मीनिंग है कि जो भी एलिमेंट होगा आप उसको ब्रैकेट में लिखोगे कर्ली ब्रैकेट में, तो यहाँ पे बोला फाई कर्ली ब्रैकेट सबसेट ऑफ ए, तो ये एलिमेंट इसमें है ही नहीं, लेकिन ये हमारे पास एक स्टेट मतलब रिजल्ट है कि हर एक सेट का जो फाई है वो उसका सबसेट है, मतलब फाई हर एक सेट का सबसेट है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, हमारे पास रिजल्ट है, लेकिन ये क्या है, ये तो हमारे पास फार्मूला है कि हमने किसी एलिमेंट का सबसेट बनाना है, किसी सेट के सबसेट बनाना है, तो किसी सेट के सबसेट का क्या मीनिंग है कि जो भी एलिमेंट है उसको ब्रैकेट में लिख दो वो क्या बन जाएंगे, सबसेट, तो फिर ये क्या हुआ, फॉल्स। सबसेट बनाओ, उसके 3 एलिमेंट है, सबसेट बनाओ 1 2 1 2 2 3 1 3 2 3 आ गए 5 और 1 2। अब आपको कैसे पता चलना है कि ये बाकी आपका आंसर ठीक है, उसके पास हमारे पास मेथड है।
मेथड क्या है कि जितने एलिमेंट वो 2 की पावर में लिख दो उतने सबसेट आएंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3। 2 की पावर में लिख दें कितना आ गया? 8। तो अब चेक करो क्या 8 हैं? ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपने जो सबसेट बनाए हैं वाकई पूरे हैं जो कम बना दिया आपने। तो जितने एलिमेंट हैं जिसके भी सबसेट बनाने हैं उस सेट के एलिमेंट लो, उनकी 2 की पावर में लिख के जो आपके पास आंसर आएगा उतने ही सबसेट बनेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 है कि राइट इंटरवल्स, इंटरवल लिखना है। एक्स बिलोंग टू रियल नंबर और एक्स जो है -4 और <6 है। तो क्या इसका आंसर मैं ऐसे लिख सकता हूँ? -4, 6 ये आ गया। देखिए सॉल्यूशन क्या है, -4 और 6 क्या है? क्लोज। इसका क्या आंसर है? और ओपन। अब इसे आपने सेट बिल्डर में लिखना है। सेट बिल्डर में क्या आएगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर कोमा एक्स ग्रेटर देन -3 लेस देन 0। ठीक है,